गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिकुलर फार्मूला की एप्लीकेशंस, दैट मींस द न्यूमेरिकल रिलेटेड टू एम्पिरिकल एंड मॉलिकुलर फार्मूला। मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, एम्पिरिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड के लिए इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आयन्स इन द फार्मूला यूनिट ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट। जस्ट एग्जाम्पल, अगर मॉलिकुलर फार्मूला किसी कंपाउंड का C6H6 जैसे बेंजीन का हमने एग्जांपल लिया है, तो उसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा? CH। तो एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला में मैंने आपको कल रिलेशन भी बताया था कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला में जस्ट डिफरेंस किस चीज़ का होता है? एन फैक्टर का। और ये एन फैक्टर हम कैसे निकालते हैं? मोलर मास और एम्पिरिकल मास से। बोथ हैव सेम कंपाउंड, जैसे बेंजीन है मॉलिकुलर फार्मूला C6H6, बट एम्पिरिकल फार्मूला इज CH, होल N लिखा है, बेंजीन के केस में N होता है 6। तो अब हम एक सिंपल न्यूमेरिकल करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमें परसेंटेज कंपोजिशन वाला पार्ट हम पढ़ेंगे। परसेंटेज कंपोजिशन मीन्स कि किसी भी कंपाउंड में एक पर्टिकुलर एलिमेंट का कितना परसेंटेज है, पहले हम उसको जान लेते हैं। तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? मास ऑफ दैट एलिमेंट अपॉन मोलर मास। ठीक है, अब इसको समझने के लिए एक न्यूमेरिकल कर लें तो ज़्यादा आसान होगा। तो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन इथेनॉल। इथेनॉल में हमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं, मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ इथेनॉल क्या होता है? C2H5OH। दो कार्बन है, छः हाइड्रोजन है और एक इसमें ऑक्सीजन है। ठीक है, मोलर मास ऑफ इथेनॉल, अगर मोलर मास हमें इथेनॉल का निकालना हो तो कार्बन का कितना होता है? 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। तो मोलर मास निकाले, मैंने यहाँ पे 12.01 लिखा है बिकॉज ये AMU में होता है, आप इसको डायरेक्ट 12.12 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 × 12 प्लस 5 × 8 प्लस 16 प्लस 1 × 1, यानी कि टोटल इस तरीके से हम इसका मोलर मास निकालेंगे तो आएगा 46.068। आप अगर सिंपल रखते हैं तो इसका आएगा 46। ठीक है, अब हम निकालते हैं मास परसेंटेज ऑफ कार्बन। कार्बन का मास परसेंटेज कितना है? कार्बन का मास यहाँ पे दो कार्बन है, एक कार्बन का 12, तो दो कार्बन का कितना हो गया? 12। ठीक है, तो 12.02/46, ये आपका क्या आ जाएगा? 12/46×100। तो ये आ गई आपकी परसेंटेज। ठीक है, इसी तरीके से मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन हैं? 6, तो 6 / टोटल मास कितना है? 46। ठीक है, × 100। इसी तरीके से मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, टोटल ऑक्सीजन का मास 16/46×100। इस तरीके से हम मास परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि एम्पिरिकल फार्मूला से रिलेटेड है, मॉलिकुलर फार्मूला से रिलेटेड है, और ये एग्ज़ाम में 3 मार्क्स में आता है आपका, तो इसको आपको अच्छी तरीके से करना सीखना है कि किस तरीके से हम इसको करेंगे। अ कंपाउंड कंटेन 4.07 ग्राम हाइड्रोजन, 24.27 ग्राम कार्बन एंड 71.65 ग्राम परसेंटेज क्लोरीन। मॉलिकुलर मास इज गिवन, व्हाट आर इट्स एम्पिरिकल एंड मॉलिकुलर फार्मूला। तो यहाँ पे हमें 3 एलिमेंट दिए हैं, हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन। टोटल सबका परसेंटेज मिला के कितना हो गया? 100। कई बार हमें क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ दो ही कंपाउंड देते हैं, जैसे हमें दे दिया 4.07% हाइड्रोजन, 24% कार्बन और रेस्ट इज क्लोरीन। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को हम प्लस करेंगे, फिर 100 में से माइनस करेंगे, तब हमारा रेस्ट जितना परसेंटेज है वो निकल आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, मैंने इसको आपको करके दिखाया है, टेबल बनाएंगे और ऐसे ही आपको ये करना है तो आपको आसानी रहेगी। सबसे पहले कॉलम में आप लिखेंगे एलिमेंट,
हमें तीन एलिमेंट गिवन है, कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। आप ऊपर नीचे किसी को भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर नेक्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ मास। कार्बन का परसेंटेज है 24.27, हाइड्रोजन का 4.07 और Cl का है 71.65। ठीक है, अब नेक्स्ट एक कॉलम हम बनाएंगे और इसमें लिखेंगे मोलर मास। ठीक है, मोलर मास कार्बन का आपको पता है 12, आप डायरेक्ट ले सकते हैं 12, आपको 12.01 लेने की ज़रूरत नहीं है, 12 ले लीजिए। हाइड्रोजन का कितना, 1, और Cl का कितना हो गया, 35.5। ठीक है, इतना ये चीज़ें हमें क्या है, गिवन है। अब हमें आगे की कैलकुलेशन वाला पार्ट करना है। ठीक, तो यहाँ पे अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, W अपॉन मोलर मास। W क्या है, वेट, जो परसेंटेज का हमें गिवन है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे निकाला परसेंटेज कितना गिवन है, 24.2, मोलर मास है 12, डिवाइड कर दिया आपने, अराउंड 2.02 आएगा। ठीक है, मैंने क्योंकि 12.01 लिया है इसलिए 2.02। 4.07 को 1 से डिवाइड किया तो सिंपल उतना ही आया, 71.65 को इससे डिवाइड किया तो 2.02। ये आपका तीनों का क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम में हम क्या लेंगे, सिंपल रेशियो। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो के केस में अब हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर ऑफ मोल्स को देखेंगे। ठीक है, इन तीनों में से जो सबसे स्मॉलर क्वांटिटी होगी उससे हम सबको डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर देखो ये दोनों वैल्यूज सेम है तो हम इनमें से कोई सा भी ले सकते हैं, सबसे स्मॉलर जो क्वांटिटी होगी उससे डिवाइड करना है। तो 2.02 इसको डिवाइड किया इससे तो आ गया 1, 4.02 को इससे डिवाइड किया तो अराउंड 2। ठीक है, और 2.02 को इससे डिवाइड किया तो 1। अगर आपकी ये वैल्यू बाय चांस परसेंट पॉइंट में आती है 1.3, 2.5 या 1.6, तो आप उसको इससे आगे क्या कर देंगे, आप उसको राउंड ऑफ कर देंगे। जैसे 1.3 को राउंड ऑफ करेंगे तो 1, 2.6 को राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आएगा, 3, और 1.8 को अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो 2। तो इस तरीके से आप उसको राउंड ऑफ कर लेंगे, क्योंकि हमारा ये सिंपल ही आया है तो इसको हमें राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे आपको ये पता लग गया कि कार्बन का एक एटम है, हाइड्रोजन के दो एटम हैं और Cl का एक एटम है इस कंपाउंड में। अब इससे आगे, अब इसका मतलब आपको हमें क्या पता लग गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला C1H2Cl, C का 1, H का 2 और Cl का 1। अब हम इसका एम्पिरिकल मास निकाल लेंगे, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2 और Cl का 35.5। ये आ गया आपका 49.5 U। ठीक है, या ग्राम ले लीजिए। अब मोलर मास हमें गिवन है क्वेश्चन में, आपने देखा होगा 98.95, तो n फैक्टर निकालेंगे, मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। मोलर मास है 98.95, 49.5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। मैंने अप्रोक्स का साइन इसलिए लगा रखा है कि बाई चांस आपका 2.4 आए, 2.02 आए, तब भी आप उसको एक सिंपल रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे, इंटीजर के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इस तरीके से आप उसको लिखेंगे। तो मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या आ गया, C2CH2Cl2 होल 2। तो एम्पिरिकल आपका मॉलिकुलर फॉर्मूला हो गया C2H4Cl। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक दो चीज़ें मैं इसी उसमें आपको बता देती हूँ कि ये आपने निकाला और बाय चांस यहाँ पे आपका आ गया 1.5। अब 1.5 को आप राउंड ऑफ ना 1 कर सकते हैं, ना ही उसको राउंड ऑफ 2 कर सकते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम पूरा तीनों पार्ट को किसी एक सिंपल उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लीजिए 1.5 आया, ये 1 है, ये 1.5 है, ये 1 है, तो हम इसको क्या करेंगे, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 2। इस तरीके से हम करेंगे इसको। ठीक है, अगर 1.5 आता है तो। दूसरा एक बात यहाँ पे आपको बता दूँ, जैसे यहाँ पे आपको गिवन है मोलर मास। ठीक है,
तो यहाँ पे कई बार मोलर मास ना गिवन होकर के आपको गिवन होता है वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी के लिए फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं मोलर मास इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोलर मास निकल जाएगा। ठीक है, तो आप इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करिए, आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी हैं, तो ये आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, कल हम इससे आगे का पोर्शन कंसंट्रेशन टर्म्स करेंगे। थैंक यू।